रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है एक कटोरी मूंग की दाल और एक मुट्ठी चने की दाल। आप मूंग की दाल की जगह तुअर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस दाल को अच्छी तरह से धोकर कम से कम हम एक घंटे भिगो देंगे। दाल हमारी अच्छी तरह से फूल जाएगी तो ये पानी जो है हम फेंक देते हैं। अब हमें दाल को उबालना है। आप इस दाल को अब हम कुकर में डाल देते हैं। कुकर में मैंने 2 कटोरी के करीब पानी ले लिया था और अब हम इसमें दाल डाल देंगे। यहाँ पर 2 दालों का कॉम्बिनेशन, जैसे मूंग की और चने की दाल, आप इसे 2 कॉम्बिनेशन ज़रूर लीजिएगा। इससे दाल मेथी की जो रेसिपी है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमने कुकर में सारी दाल डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे नमक, 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 विसल तक इसको बॉयल कर लेंगे। अब जब हमारा कुकर ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह से, तो ये देखिए हमारी जो दाल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। अब हम दाल को साइड में रख लेते हैं। अब हम बना देंगे इसका तड़का। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे। जैसे ही आप देखें कि तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। वैसे यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेज में आप जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो, आपके पास अवेलेबल हो, तो आप डाल दीजिए, उससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन। 10 से 12 कलियों को सिर्फ हल्का सा मैंने मैश किया है, वो हम इसमें डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा। सूखी लाल मिर्च डाल देंगे 1 से 2, अगर अवेलेबल है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तेज पत्ता डाल देंगे और काफ़ी सारा कड़ी पत्ता डाल देंगे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इन 4-5 चीज़ों में जीरा और लहसुन आप ज़रूर डालें, बाकी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से पकने देते हैं। अब जब आप देखें कि आपका जो जीरा है वो अच्छी तरह से पक चुका है और लहसुन का भी कलर हल्का हल्का बदल रहा है, तो अब इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसे हमने काट लिया है। अब हम वो प्याज इसमें डालेंगे और इसे भी हम पकाएंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इतना पकाना है कि जो प्याज का कलर है वो हल्का हल्का पिंक हो जाए, मतलब आर पार दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट की तरह वैसा हो जाए, तब तक हम प्याज को पकाएंगे। जब आप देखें कि प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज हो चुका है, देखिए दिखाती हूँ किस तरह, कुछ इस तरह देखिए हल्का हल्का चेंज हो चुका है, तब हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तीखा आप जैसा पसंद करते हो वैसे आप हरी मिर्च डाल दीजिए और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। बेसिक तड़का बना रहे हैं, जैसे हम दाल का बनाते हैं बिल्कुल बेसिक तड़का बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, नमक, नमक दाल उबालते वक्त भी डाला था तो अभी थोड़ा कम डालिएगा, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अभी सारी चीज़ें डालने के बाद हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। सारे सूखे मसाले हमने इसी में अभी ऐड कर लिए ताकि ये जो टमाटर प्याज के साथ मिक्स हो जाएं और गल भी जाएं अच्छी तरह से। आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तब हम वेट करते हैं जब तक हमारे टमाटर थोड़े से गलें। दूसरी ओर यहाँ पर मैंने मेथी ले ली है। जो दाल मेथी की रेसिपी होती है उसमें मेथी का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, अगर छोटा बंच है तो आप 1 बंच के करीब आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उसका स्वाद मेथी का उसमें आ जाता है। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेथी का यूज़ मत कीजिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो उसके हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मेथी के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम वो इसमें ऐड कर लेंगे, ये 1 कटोरी के करीब है, जितनी दाल थी उतने ही मेथी, 1 कटोरी उतने ही मेज़रमेंट से रखी है मैंने। और अब हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मेथी को सारे मसालों के साथ पकाएंगे। इसी स्टेज पर जब आप इसे पका रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छी मेथी की खुशबू आने लग जाएगी, मेथी भुनने लग जाएगी इसके साथ, तो यही एक बेस्ट फ्लेवर है इसका। और मेथी का सीज़न भी है, बहुत अच्छी फ्रेश मेथी आ रही है। तो अब ये देखिए मेथी अच्छी तरह से हमारी पक चुकी है। अब बस अब बारी है इसमें दाल डालने की, जो तो हमने जो दाल उबाल कर रखी थी अब हम वो दाल इसमें डाल देंगे।
तो ये रही दाल, हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इसे हम करेंगे फिर अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। अभी आप दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी है दाल, थिक दाल है, तो इतनी ज़्यादा थिक दाल अच्छी नहीं लगती है। तो पहले आप इसे मिला लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। दाल को हमने अलग उबाला था और मेथी का जो तड़का हमने बनाया है वो अलग बनाया है, इसीलिए अब पानी डालने के बाद हम इनको 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ा सा पकने देंगे। 10 मिनट मिनिमम आप इसे पकने दीजिए ताकि सारी चीज़ें आपस में रच कर तैयार हो जाएँ तो उनका स्वाद अच्छा लग सके। ये देखिए थिकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, इसीलिए आप यहाँ पर पानी ज़रूर डालें, क्योंकि उबालते वक्त आपको ऐसा फील आएगा ही कि दाल गाढ़ी है। पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिस भी हिसाब से आप दाल पसंद करते हो। यहाँ पे मैंने एक छोटा कप के करीब पानी डाल दिया है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा ताकि ये धीरे धीरे पक जाए। साथ ही आप यहाँ पर दाल को थोड़ा चख भी लीजिए, अगर आपको नमक मसालों में से कुछ भी कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप यहीं पे मैनेज कर लीजिए, उबलते वक्त वो मसाले एडजस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर इस दाल को और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी इसमें और तड़के वाली फीलिंग आएगी। तो ये एक बॉयल आने के बाद हम इसमें देसी घी डाल देते हैं और फिर ये दाल गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको रोटी, नान, चावल किसी के साथ भी सर्व कीजिए, ये बहुत अच्छी लगेगी। इवन नॉर्मल दाल से इसका टेस्ट काफ़ी अलग है, इसमें मेथी का भी फ्लेवर आएगा, चने की दाल का भी फ्लेवर आएगा, तो ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया, ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। तो कुछ हेल्दी और कुछ टेस्टी इस दाल को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करते ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा।